अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ चिकन लजानिया की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन लजानिया आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम चिकन रेडी कर लेते हैं। एक पैन में 5 से 6 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लेंगे और इसमें 4 लहसुन के जवे चॉप करके शामिल कर देंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके, वो भी लहसुन के साथ ही 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन और प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें पकाएंगे। तो अब हम 1/2 किलो चिकन का कीमा इसमें शामिल कर देंगे और अब इस कीमे को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो पिसी हुई काली मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून शामिल करना है और नमक भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसके साथ सफ़ेद मिर्चें भी शामिल कर देंगे। सफ़ेद मिर्च भी हमने 1 टीस्पून ही ऐड की है। तो अब आगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। चिकन को मसालों के साथ हमने 4 से 5 मिनट तक पकाना है। तो अब इसमें हमने 3 टमाटरों को चॉप करके उसकी पेस्ट बना के वो ऐड कर दी है। आप टोमेटो प्यूरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस चिकन कीमे को हमने टमाटरों का पानी ड्राई होने तक पकाना है और इसके साथ हम चिली सॉस 1 खाने वाला चम्मच शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून भरकर शामिल कर देंगे और इसे मज़ीद पकाएंगे। तो अब लास्ट पर हम 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अगर आपको शिमला मिर्च का जायका पसंद नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो लें जी, अब ये चिकन मसाला पककर तैयार हो गया है, जो कि लजानिया में फिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब दूसरे स्टेप में हम वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए 4 टेबलस्पून हमने मक्खन लिया है और इसे हम मेल्ट कर लेंगे और फिर इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। बस इतना ही भूनेंगे कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध तकरीबन 1/2 लीटर हमने लिया है। तो इस सॉस में अब हमने 1/2 चाय वाली चम्मच नमक शामिल करना है और सफ़ेद मिर्चें भी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। तो अब इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह से इसमें शामिल करना है।
चम्मच को हमने सॉस में मसलसल चलाते जाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और पक ना जाए। देखें जी सॉस काफ़ी थिक हो गया है, तो अब इसमें हमने 40 ग्राम चीज़ शामिल कर दी है। चेडर चीज़, मोजरीला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़, जो भी आपको अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें। चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अब ये सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब तीसरे स्टेप में हमने लज़ानिया शीट्स को बॉईल कर लेना है। तो पानी को हमने बॉईल कर लिया है, तो अब इसमें एक चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे ताकि शीट्स आपस में चिपके नहीं। तो अब इस पानी में हम लज़ानिया शीट रख देंगे और इन्हें हमने हाफ कुक करना है। शीट्स को पूरा कुक नहीं करना क्योंकि ये बेकिंग के टाइम भी कुक होंगी। तो जब ये हाफ पक जाएंगी तो मैं इन्हें गर्म पानी से निकाल लूँगी और इन पर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। शीट्स को बॉईल करने के बाद हम इसके ऊपर मज़ीद कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो व्यूअर्स, हमारी लज़ानिया शीट्स और चिकन फिलिंग और वाइट सॉस पक कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम लेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रे में वाइट सॉस लगाएंगे, उसके ऊपर हमने शीट्स और फिल फिलिंग की लेयर लगाएंगे। और फिर वाइट सॉस और उसके ऊपर चीज़ लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ है तो आप लगा दें, अगर नहीं लगाएंगे तो भी लज़ानिया बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर से शीट्स और बाकी लेयर्स लगा देंगे। हमने इसकी 3 लेयर्स कंप्लीट कर ली हैं। और फिर लास्ट पर हमने मोजरेला चीज इस पर फैला देनी है। और उसके बाद शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव से गार्निश कर लेंगे और थोड़ी सी ओरिगैनो डाल देंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट पर रख दिया था, तो 180 डिग्री पर इसे हमने 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो देखिए जी, 20 मिनट के बाद ये पक कर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।